हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उदय चौहान। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एक बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेट में दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल्स वो प्लेसेस होते हैं किसी भी मैग्नेट में जहाँ पर उसके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ पोल्स हमेशा पेयर्स में फाइंड आउट किए जाते हैं। पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा और साउथ है तो नॉर्थ भी होगा। कभी भी ये सिंगल नहीं पाए जाते, ठीक है। स्टूडेंट, मैंने एक ये बार मैग्नेट बनाई है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स ले लिए, एक साउथ और एक नॉर्थ, ओके। अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे यहां से निकलती है? नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ। जो एक्सटीरियर पार्ट है मैग्नेट का, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है आपकी नॉर्थ से साउथ, और इसके अंदर क्या चलती हैं? साउथ से नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर क्या जाती है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में जाती है, एकदम पैरेलल निकलती है ये इस तरीके से। अब देखिए, पहले तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहाँ तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी मैग्नेट के ऊपर, जैसे मान लीजिए आयरन फिलिंग्स हो गए या कोई भी लोहे के ऑब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके, वो एरिया जहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, अब मैंने क्या हुआ, एक लोहे का टुकड़ा लिया यहाँ पे और यहाँ रखा। अब क्या हो रहा है, ये इसके फील्ड लाइन से दूर है, मतलब इसके एरिया से दूर है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अगर मैंने इस एरिया के अंदर ले आया हूँ तो अब इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यहाँ पर फील हो रही होगी, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहां तक कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सके। अब यहां पे आती है बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये नॉर्मली दिखती नहीं है, जैसे आपको भगवान, आप मानते हो कि भगवान की कुछ फोर्स है, पर कभी भगवान को देखा है आपने? नहीं। तो यहाँ पे भी ये माना गया है कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होती है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या उसका जो फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक उसका स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाता है जितनी पावर के साथ, वो रिप्रेजेंट करती कहीं ना कहीं। अब देखिए यहाँ पे, जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है। तो यहाँ का मतलब क्या है, जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है कि उसका जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो पोल्स होते हैं, जैसे हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज है, देखिए यहाँ पे सब बहुत पास पास है। अब दूसरी चीज, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको मैंने बनाया और यहाँ से ये बनाया। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बहुत दूर दूर है, इसका मतलब इस रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है, है तो पर कम है, ठीक है। दूसरी चीज, मतलब अब ये यहीं तक आ रही, इसके आगे कोई भी फील्ड लाइन नहीं, इसका मतलब इस रीजन में यहाँ पर इसकी वजह से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन फील नहीं हो रहा, मतलब जहाँ तक ये फील्ड लाइन्स दिख रही हैं वहाँ तक ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकती है, ठीक। तो ये फील्ड भी हो गया, साथ में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करती हैं और ये इमेजरी लाइंस होती हैं, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बताती हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स का जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ की तरफ अंदर की तरफ आती हैं। साथ ही साथ जब मैग्नेट की हम अंदर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ अंदर, और कैसे होती है वो यूनिफॉर्म वे में। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे होती है यूनिफॉर्म वे, मतलब हर जगह उसकी स्ट्रेंथ क्या इक्वल, यहाँ पर भी उतना ही फोर्स होगा जितना फोर्स यहाँ पर, हर जगह अंदर क्या होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है, हर जगह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। तो इसको अगर मैंने पैरेलल फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप क्या करोगे, सिंपल पैरेलल लाइंस इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी किसी भी मैग्नेट के अंदर। और अगर हम आउटर की बात करें तो कहीं पे भी आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे और दूर है, यहाँ पे और दूर है, तो यहाँ पे हर जगह क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ और कम हुई, यहाँ और कम हुई, और यहाँ पे और कम हुई, पर यहाँ पे देखोगे हर जगह डिस्टेंस बराबर है, तो हर जगह मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है उसकी इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देख के उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हो, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा एक मोटा पॉइंट इसका, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहाँ से चलती है, अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें, एक्सटीरियर पार्ट की बात करें, तो इट मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, और अंदर की बात करें तो कहाँ से कहाँ चलती है, साउथ से नॉर्थ। दूसरी बात याद रखिएगा, ये हमेशा क्या बनाती है, एक क्लोज्ड लूप, क्या बनाती है हमेशा, ये क्लोज लूप, इस तरीके देखिए क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी इतना यह समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से ही निकलती हैं और साउथ पे आके टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे साउथ की तरफ आती है, साउथ की तरफ इनवर्ड आती है और नॉर्थ से आउटवर्ड जाती है, ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि साउथ से बाहर निकलें और नॉर्थ की तरफ अंदर आएँ, ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दे सकता हूँ कि नॉर्थ से ही वो क्यों निकल रही है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, कोई भी अगर दो मैग्नेट हैं और अगर उनके दोनों के सेम पोल, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोल सामने लाए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर मान लीजिए दो अपोजिट पोल एक पास आ जाते हैं, जैसे साउथ और नॉर्थ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल्स हमेशा रिपल करते हैं और डिफरेंट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपास लेके आता हूँ, एक मैग्नेटिक कंपास। कंपास क्या काम करता है कि किसी भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लाते हो तो उसकी नीडल ऐसे ऐसे मूव करने लगती है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये कंपास था, कंपास में आपको पता है कि जो ऊपर वाला एंड होता है वो होता है नॉर्थ और जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथ, जो टेल होता है वो साउथ रिप्रेजेंट करता है और जो हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल। तो जैसे ही मैं इस कंपास को इस मैग्नेट के पास लेके गया, ठीक है, अभी मान लीजिए थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, मान लीजिए पहले ये यहाँ पे था, ठीक, तो क्या करता है, जियो रीडिंग शो कर रहा था। पर जैसे ही मैं क्या करा, इसको मैं इसके पास लेके गया, इस मैग्नेट के पास, अब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल। अब देखिए क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नीडल क्या होगी, कुछ इस तरीके से मुड़ती हुई दिखेगी, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि जो ये आपका नीडल होती है ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट की बनी हुई होती है,
तो जब भी कोई दो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तो मैग्नेट है ही, बार मैग्नेट, ये हमने एक मैग्नेट लिया, ये भी मैग्नेट का बना होता है नीडल, तो जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल इसके आसपास आते हैं तो ये रिपल करता है और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बाहर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये शो क्या करता है, ये दिखाता है आपका नीडल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो कभी भी आपको डायरेक्शन बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होगा, तो आप सिंपल एक कंपास लेके आइए, कंपास आपका नॉर्थ पोल जो होगा, कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो आपको उसका डायरेक्शन बता देगा। तो इससे क्या हुआ चला कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है नॉर्थ पोल मतलब इस तरीके से बाहर निकल रही है, ये दिखा रहा है डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। तो इससे ही पता चला कि नॉर्थ से जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। अब देखिए मैंने फिर से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, अब की बार मैंने क्या करा, इस कंपास को उठा के यहां रख दिया। जैसे ही मैंने इस कंपास को उठा के यहां रखा तो क्या होगा, ये साउथ पोल है और ऊपर क्या होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक। अब क्या होगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और साउथ क्या करेंगे, रिपेल, जिसकी वजह से क्या होगा, सुई की तरफ हमारी घूम जाएगी, नीडल की तरफ घूमेगी, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये रिपल कर रहे थे कुछ ऐसे अंदर की तरफ। तो अब की बार जो नीडल का डायरेक्शन होगा, नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, वो इनवर्ट होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो साउथ है उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं और जो नॉर्थ है उससे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसके नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहेंगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे। थैंक यू वेरी मच।